हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे एक फ्लावर बेस। और मैं ये फ्लावर बेस बनाने के लिए क्या क्या यूज़ की हूँ और कैसे बनाई हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का एक पेस्ट बनाऊंगी। अभी हमारा प्लास्टर पेरिस एंड वाटर का जो पेस्ट बनाए थे वो रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट मैं जाऊंगी यहाँ पे, जो मैं एक पाइप जैसे ली हूँ, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ और इसका टोटल लेंथ है 34 सेंटीमीटर। सो ऊपर का और नीचे का पोर्शन मैं 12 सेंटीमीटर रखी हूँ ईच, और बीच का जो पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर का है। सो मैं ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो काम है वो करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पे एक स्पून के हेल्प से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेस्ट हम बनाए थे उसी को मैं बस लगा रही हूँ। सो इसी तरह से मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेस्ट है इसी तरह से स्पून से लगाऊंगी। सो अगर आपको मेरा जो है ये DIY अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स बनाती हूँ। सो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर न्यू जो मेरा जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो मैं अभी आपको ये कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो कंप्लीट हो गया है, तो बीच के पोर्शन के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ की हूँ, और फेविकॉल लगा के उस पर उड़क दाल मैं यूज़ करूँगी और उड़क दाल को वहाँ पे पेस्ट करते जाऊँगी। सो यहाँ पे मैं जो है कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं सेकंड लाइन जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। साइड का कंप्लीट कर लिया है। सो अभी मैं बीच का पोर्शन जो है वो वाला करूँगी। बीच के पोर्शन के लिए मैं राइस का यूज़ करूँगी और फेविकॉल लगा के इस तरह से इस पर फेविकॉल लगाएंगे बीच वाले पोर्शन में। देन यहाँ पे एक ब्रश की हेल्प से जो फेविकॉल है उसको स्प्रेड करके मैं यहाँ पे राइस लगाना स्टार्ट कर लूँगी। सो किस तरह से मैं कर रही हूँ वो आप देखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे राइस लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा राइस होगा उसको हम बाद में निकाल देंगे। जितना जगह पे ग्लू है उतने जगह में राइस लगेगा और बाकी सब वो अपने आप ही निकल जाएगा बाद में।
बीच का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, सुपर का पोर्शन मैं अभी कर रही हूँ। सुपर के पोर्शन में और एक लाइन में दाल का जो है वो और एक लाइन देना चाहती हूँ। इसी तरह मैं ऊपर और नीचे की तरफ दो दो लाइन जो है दाल का बना लूँगी। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसको 3 to 4 hours सूखने के लिए रख दी थी। अभी 3 and 4 hours के बाद जब ये पूरा सूख चुका है तब मैं इसका कलरिंग पोर्शन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं कलरिंग करने के लिए ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ की हूँ और ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरा जो है उसको मैं कलर कर लूँगी फर्स्ट। मेरा कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ब्लैक एक्रेलिक कलर भी सूख गया है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे मैं कैमल का गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। सो गोल्डन कलर को इसी तरह मैं अपने फिंगर में लेके बस ऊपर ऊपर से रफ करूँगी ताकि जो भी पोर्शन में गोल्डन कलर आएगा बस उतना ही पोर्शन आना चाहिए। जस्ट ज़्यादा मुझे गोल्डन नहीं चाहिए, मुझे एक एंटिक लुक देना है इसको। इसीलिए जहाँ पे भी वो ब्लैक वाला पोर्शन है तो कुछ थोड़ा सा ब्लैक एंड गोल्डन वाला शेड में मुझे चाहिए। यहाँ पे मेरा कलरिंग पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखता है। सो यहाँ पे मेरा जो है फ्लावर बेस कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।